हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को ग्राफिक्स और एनिमेशन की सहायता से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। पैसा कमाने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज किया जाता है तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। The activities which are undertaken with the objective to earn money are called economic activities. Activities को अलग अलग groups में divide किया जाता है, जिसे हम sectors कहते हैं। Economic activities के कुछ major sectors हैं, जिनमें पहला है primary, secondary and tertiary sector, दूसरा है organized and unorganized sector और तीसरा है public and private sector। अब बात करते हैं कि primary sector क्या होता है। इस सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेस को प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इसलिए यह सेक्टर सीधे तौर पर नेचर से जुड़ा होता है। प्राइमरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन। चूंकि एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री से हम लोगों को ज्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलता है, जिस कारण प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, इस सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एक अलग फॉर्म में बदल दिया जाता है। दिस सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में किया जाता है या फिर घर में किया जाता है। द मैन्युफैक्चरिंग में टेक प्लेस इन अ फैक्ट्री और एट होम। सेकेंडरी सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्लोथ, सुगर और गुड़। कॉटन फाइबर से धागा और कपड़ा बनता है, जबकि सुगर केन से सुगर और गुड़ बनता है। चूंकि सेकेंडरी सेक्टर में जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर, ऐसा एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो सारे एक्टिविटीज टर्शियरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करता है और यह सर्विस ही प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। टर्शियरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और बैंकिंग। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इस सेक्टर में किसी प्रोफेशनल्स के द्वारा कुछ जरूरी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, बार्बर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंटरनेट कैफे और कॉल सेंटर्स। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में जितना लोग काम करते हैं और जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बेसिस पर ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स को कंपेयर किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफ टू टाइप्स, पहला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है और आगे इन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग नहीं होता है। दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड आर नॉट मीड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक फार्मर फ्लोर मिल को 8 रुपए पर केजी के रेट से गेहूं बेचता है। फिर फ्लोर मिल उस गेहूं को मशीन में पीसकर बिस्कुट कंपनी को 10 रुपए पर केजी के रेट से बेच देता है। फिर बिस्कुट कंपनी उस पीसे हुए गेहूं में सुगर और ऑयल मिलाकर बिस्कुट का 4 पैकेट बनाता है और फिर उसे कंज्यूमर्स को 60 रुपए में बेच देता है, यानी 15 रुपए पर पैकेट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग GDP भी कहते हैं। GDP क्या होता है? किसी कंट्री में एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए गए पूरे गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल वैल्यू को GDP कहते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर इज कॉल्ड GDP। दरअसल GDP एक कंट्री में टोटल प्रोडक्शन को दर्शाता है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा GDP का अनुमान लगाया जाता है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, देखा जाए तो डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था। आज फार्मिंग के नए मेथड्स के कारण ही फूड का प्रोडक्शन अधिक हुआ। फिर इसके बाद लोगों ने इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया, जिस कारण सेकेंडरी सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस मिला और फिर बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज की शुरुआत हुई, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, हेल्थ और एजुकेशन। लेकिन प्रेजेंट में
प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में टर्शियरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया 1973 से 1974 के बीच इंडिया का टोटल जीडीपी 5,00,000 करोड़ रुपया था और इसमें प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन 2013 से 2014 के बीच 40 साल के गैप के बाद इंडिया का जीडीपी 55,00,000 करोड़ रुपया हो गया, लेकिन इस बार टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। आज टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया है और इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन यह है कि आज बेसिक सर्विसेज का डिमांड बढ़ गया है। बेसिक सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्टल सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और डिफेंस। दूसरा रीजन यह है कि आज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा डेवलपमेंट होने के कारण सर्विस सेक्टर का डिमांड बढ़ गया है। सर्विस सेक्टर जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज। तीसरा रीजन यह है कि इनकम बढ़ने के कारण आज कुछ सर्विसेज का डिमांड बढ़ गया है, जैसे कि टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इन सभी चीजों की डिमांड ने ही सर्विस सेक्टर को बढ़ाया है। चौथा रीजन यह है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण आज इंडियन मार्केट में कुछ नए सर्विसेज की शुरुआत हुई, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हालांकि आज सभी सर्विस सेक्टर एक जैसा ग्रो नहीं कर पा रहा है। आज ऐसी सर्विसेज जो कि हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, वे लोग अपने काम में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स और ट्रांसपोर्ट पर्सन्स, ये लोग अपने काम में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स, शेयर ऑफ थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना पड़ रहा है। आज आधे से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर में जरूरत से ज्यादा संख्या में लोग काम करते हैं, इसलिए सभी लोग अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं और पैसा भी ज्यादा नहीं कमा पाते, और इसे ही हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अर्बन एरियाज मतलब शहरी क्षेत्र में ज्यादातर अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना और अनएम्प्लॉयमेंट कम करना बहुत जरूरी है, और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ तरीके हैं। पहला, फोकस ऑन बैंक क्रेडिट। बैंक छोटे किसानों को लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि किसान बीज खरीद सके, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स और पंपसेट्स भी खरीद सके और सिंचाई के लिए कुओं का भी निर्माण कर सके, और इस तरीके से किसान ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर सकेगा और ज्यादा पैसा कमा सकेगा। दूसरा, जेनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करने के लिए सरकार डैम्स और नालियों का कंस्ट्रक्शन कर सकती है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर सकती है और स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप कर सकती है। तीसरा, फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सेमी रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे कि राइस मिल, दाल मिल, हनी कलेक्शन सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। चौथा, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल्स खोला जा सकता है और रूरल एरियाज में स्कूल में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग के अकॉर्डिंग एजुकेशन सेक्टर के पास 2,000,000 जॉब्स क्रिएट करने का पोटेंशियल है और टूरिज्म सेक्टर के पास 3,500,000 जॉब्स क्रिएट करने का पोटेंशियल है। नरेगा 2005। नरेगा का फुल नेम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, जो कि 2005 में तैयार किया गया था, लेकिन 2 फरवरी 2006 को इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का फुल नेम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस स्कीम के कुछ मेन फीचर्स है, जिनमें पहला है कि यह स्कीम देश के 625 जिले में हर एक फैमिली को एक साल में 100 दिनों की वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है। दूसरा यह है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ग्राम पंचायत फैमिलीज का रजिस्ट्रेशन करेगी और जॉब कार्ड इश्यू करेगी। तीसरा यह है कि इस एक्ट को राइट टू वर्क कहा जाता है, क्योंकि यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर वर्कर्स आर गिवन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब
काम करने की ऐसी जगह जहां वर्कर्स को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है और इन जगहों को गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है और रूल्स और रेगुलेशन को भी फॉलो किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिश्ड एक्ट एटसेट्रा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करना पड़ता है और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, मेडिकल लीव्स और पेड हॉलीडे। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मैनेजमेंट अच्छा वर्किंग कंडीशन सुनिश्चित करता है, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ही स्मॉल होता है और यह अनरजिस्टर्ड होता है और यह सेक्टर गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो नहीं करता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स को काफी कम सैलरी में काम करना पड़ता है और कई सारे फैसिलिटीज भी नहीं दिया जाता है, जैसे कि पेड हॉलीडे और बीमार होने पर पेड लीव, यह भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस भी काफी खराब होता है और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है और एम्प्लॉयमेंट इरेगुलर होता है। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बहुत सारे कमजोर लोगों को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोटेक्शन चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अक्सर लोगों का शोषण किया जाता है, कम सैलरी दिया जाता है, जॉब्स टेम्परेरी होता है और लोगों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। इन सभी चीजों को कुछ तरीकों से रोका जा सकता है। पहला, रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कुछ फैसिलिटीज जैसे कि बीज, एग्रीकल्चर का सामान, क्रेडिट, स्टोरेज और मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड करके उन्हें सपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा, अर्बन एरियाज मतलब शहरी क्षेत्रों में स्मॉल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के द्वारा रॉ मटेरियल्स और व्यापार का सामान खरीद कर उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्शन और सपोर्ट बहुत जरूरी है। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ओनरशिप के बेसिस पर क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब जिसके पास एसेट्स होता है और जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओनरशिप के बेसिस पर इकोनॉमी का दो सेक्टर होता है, पहला है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा एसेट्स होता है, जिस कारण गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए इस सेक्टर को स्टेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स है इंडियन रेलवेज और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज के हाथों में एसेट्स का ओनरशिप और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राइवेट कंपनीज के कुछ एग्जाम्पल्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टिस्को। प्राइवेट सेक्टर का मकसद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। रोल ऑफ पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर। पहला, गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हैवी इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है। ब्रिजेस, रोड्स और रेलवेज, डैम्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, साथ ही कम्युनिकेशन भी डेवलप किया जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज खोलने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। तीसरा, गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए उनसे सही कीमत पर अनाज खरीदा जाता है और राशन की दुकान में गरीब लोगों को कम कीमत पर अनाज दिया जाता है। चौथा, गवर्नमेंट के द्वारा बैकवर्ड और रूरल एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटी और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। पांचवा, मैल न्यूट्रिशन, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हाउसिंग, फूड और न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर यहीं खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्लास 10 की वीडियोस को आगे देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो स्टे ट्यून्ड इन स्काईलैक स्टडी।